गुड़गुड़ी नाम का शहर था। शहर में रहता था शरद। शरद पॉपकॉर्न बेचकर अपना घर चलाता था। शरद की बीवी घर संभालती थी और उसका बेटा गोलू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन शरद पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक साधु बाबा शरद के पास आए। शरद ने प्रणाम किया और साधु बाबा ने आशीर्वाद देकर शरद से पूछा, बेटा ये क्या बेच रहे हो? बाबा पॉपकॉर्न है, ये लीजिए आप भी खाइए। शरद ने कागज के कोन में पॉपकॉर्न डालकर दिए। बाबा पॉपकॉर्न खाने लगे तो उन्हें बड़ा मजा आया और बाबा खुश हो गए। बड़ी हल्की फुल्की और स्वादिष्ट चीज है, कैसे बनाते हो इसे? मक्के के दाने भट्टी में गर्म करता हूँ, वो दाने फटकर पॉपकॉर्न बन जाते हैं, फिर मिर्च मसाला डालकर बेचता हूँ। क्या कह रहे हो, मक्के का दाना तो मेरे पास भी है। बाबा ने जेब से एक मक्के का दाना निकाला और शरद को दिया। मैं आपको इस दाने का पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये मामूली मक्के का दाना नहीं है, दिव्य दाना है। जब जरूरत महसूस करोगे तब उपयोग में लाना, चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा निकल गए और शरद ने मक्के का दाना जेब में डाल लिया। देर रात तक शरद पॉपकॉर्न बेचता रहा और फिर 11 बजे घर लौट आया। घर आते ही शरद ने देखा कि उसका बेटा गोलू रो रहा था। शरद ने बीवी से पूछा तो बीवी बोली, कल इसके स्कूल की ट्रिप जा रही है, ये भी जाना चाहता है, मैंने मना कर दिया इसीलिए रो रहा है। कितनी फीस है ट्रिप की? 10,000। सुनते ही शरद के होश उड़ गए। बाप रे बाप, 10,000 बहुत ज्यादा है बेटा, अभी रहने दो, बड़ा हो जाएगा तो भेजेंगे। यह सुनते ही गोलू गुस्सा हो गया। आप हमेशा यही कहते हो पापा, पता है मेरे सारे दोस्त पैराशूट में बैठने वाले हैं, मैं भी पैराशूट में बैठकर उड़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोलू रोते हुए अंदर चला गया और शरद परेशान हो गया। खाना खाकर शरद सो तो गया लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। गोलू को रुलाकर वह भी दुखी था। अचानक उसे बाबा वाला मक्के का दाना याद आ गया। बाबा ने कहा था जरूरत हो तो दाना काम आएगा, दिव्य दाना है, मुझे गोलू को खुश करना है, देखता हूँ दिव्य दाना मेरी क्या मदद करता है। शरद ने बाहर आकर पॉपकॉर्न की भट्टी सुलगाई और मक्के का दाना गरम भट्टी में डाल दिया। देखते देखते दाना फटने लगा और दाने से एक पॉपकॉर्न तैयार हुआ जो आकार में बहुत बड़ा था। पॉपकॉर्न देखकर शरद की आंखें फट गईं। बाप रे बाप, इतना बड़ा पॉपकॉर्न, सच में दाना दिव्य था, पर ये पॉपकॉर्न मेरे क्या काम का? तभी गोलू वहाँ आया और वह भी पॉपकॉर्न देखकर चकित हो गया। शरद ने उसे साधु बाबा वाली सारी कहानी सुनाई और पूछने लगा, क्या इस पॉपकॉर्न को बेचकर तुम्हारा पैराशूट आ जाएगा? पापा आप बहुत भोले हो, पैराशूट क्रिकेट बैट की तरह सस्ता नहीं होता, आप जिंदगी भर पॉपकॉर्न बेचोगे तो भी पैराशूट नहीं खरीद पाओगे, पता है वो हवा में उड़ता है। गोलू की बात सुनकर शरद बोला, ये पॉपकॉर्न भी तो हवा में उड़ सकता है। शरद की बात सुनते ही गोलू एकदम उत्साहित हो गया। वाह पापा, क्या आइडिया दिया है आपने, क्यों ना हम इस पॉपकॉर्न को ही पैराशूट बना दें? लेकिन कैसे? आप रस्सी लेकर आओ। शरद अंदर से रस्सी लेकर आया और गोलू ने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह रस्सी से बांध दिया। देखते देखते सुबह हो गई और गोलू बोला, हाँ पैराशूट तो बन गया, चलिए पापा अब किसी ऊंचे टावर पर चढ़कर छलांग लगाते हैं। यह सुनकर शरद डर गया। हम जमीन पर गिर गए तो? पापा डरो नहीं, मैं हूँ ना। गोलू और शरद पॉपकॉर्न के साथ एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए और गोलू ने अपने साथ साथ शरद को भी रस्सी से कस लिया। चलो पापा अब छलांग लगानी है, 1, 2, 3। पॉपकॉर्न पैराशूट की तरह दोनों को आसमान का सफर करा रहा था। याहो! देखो पापा उड़ने में कितना मजा आ रहा है। हाँ गोलू बहुत मजा आ रहा है। इस प्रकार पॉपकॉर्न पैराशूट आसमान में उड़ने लगा तो सारा शहर जमीन से ऊपर देखते हुए आश्चर्य जताने लगा। यह देखकर गोलू और शरद और ज्यादा खुश हो गए। 2 घंटों तक वह आसमान में पॉपकॉर्न पैराशूट की सवारी करते रहे और फिर गोलू ने पॉपकॉर्न पैराशूट अपने घर की छत पर लैंड किया।
छत पर गोलू की मम्मी खड़ी थी। वो काफी गुस्सा थी। अजीब बाप बेटे हो, मुझे अकेला छोड़कर पॉपकॉर्न पैराशूट का मजा लूट रहे थे। मम्मी टेंशन नॉट, पॉपकॉर्न पैराशूट तो अपने ही घर का है, जब चाहे उड़ेंगे। फिर क्या था, दूसरे दिन गोलू शरद के साथ साथ मम्मी को भी टावर पर ले गया। तीनों ने एक साथ टावर से छलांग लगाई और पॉपकॉर्न पैराशूट से आसमान में उड़ान भरी। इस प्रकार पॉपकॉर्न पैराशूट से शरद की फैमिली रोज रोज आसमान छूने लगी और जिंदगी के मजे लेने लगी। राजू अपनी बीवी सुमन और बहन रानी के साथ रहा करता था। उसकी बहन रानी विधवा थी, उसका कोई भी नहीं था, इसलिए राजू उसको अपने घर लेकर आ गया। परंतु सुमन को ये सब गवारा नहीं था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ओहो, सुबह सुबह विधवा का मुंह देखना पड़ जाता है, पूरा दिन खराब जाता है। न जाने क्यों अपनी बहन को यहाँ पर उठा कर ले आए। अरे इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो वहीं पर कोई कमरा किराए पर दे देते, बिता लेती अपना जीवन। शादी होते ही अपने पति को खा गई, अब हमारे घर पर मूंग दल रही है, न जाने कब पीछा छूटेगा इससे। क्या हुआ भाभी, आप क्या बड़बड़ा रही हो। देख रानी, तुझसे इस घर के हालात छुपे नहीं है, तेरे भैया ही कमाने वाले हैं और घर का खर्चा बहुत है, खेतों में काम भी बहुत है, मक्के की खेती हुई है उसमें बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मैं यही सोच रही थी कि घर का काम करूं कि खेत का, और अब तो मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहने लगा है। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए, मैं खेतों में जाकर काम कर लूँगी, आप बेफिक्र हो जाइए। सुमन रानी से प्यार भरी बातें करके सारा काम निकलवा लेती थी और अपना ऐश का जीवन व्यतीत करती थी। विधवा होने की वजह से वो उसे आराम की जिंदगी नहीं जीने देती थी। रानी, दीपावली पर मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए तो ला नहीं सकती क्योंकि तुम विधवा हो। एक काम करना, मेरी पुरानी साड़ी पहन लेना, कोई हल्की सी, फिर कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भाभी। सुमन रानी को एक हल्के रंग की साड़ी दे देती है। जब रानी उसको खोल कर देखती है तो वो फटी हुई होती है। वो अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती पर अंदर ही अंदर रोने लगती है और उसी को पहन लेती है, क्योंकि उसके पास दिवाली पर भी पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। वो दिन रात काम में पिसती रहती है और अपने नसीब को रोती रहती है। भाभी खेतों में चलकर देखिए, मक्के की फसल कितनी अच्छी तरह से लहरा रही है। सुमन जब खेतों में जाकर देखती है तो सच में बहुत अच्छी फसल हुई होती है, परंतु सुमन के मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, इसने तो बहुत मेहनत की है फसल उगाने में, परंतु इतनी अच्छी फसल को मैं रानी को नहीं दे सकती। अगर इनको पता चला तो ये पूरी फसल का पैसा अपनी बहन पर लुटा देंगे, ये तो मैं होते हुए नहीं देख सकती। मुझे उनके वापस लौटने से पहले रानी का इंतजाम करना होगा। क्या हुआ भाभी। रानी तुमने बहुत मेहनत की है इस फसल को उगाने में, परंतु तुम इस पूरी फसल की मक्का का क्या करोगी। मैं तुम्हें रोज एक मुट्ठी मक्का दे दूंगी, तुम्हारे लिए वही काफी है। पर भाभी मुझे पता है तुम यही कहोगी ना कि इस मक्का का मैं क्या करूंगी, तो तुम उसका रोज का आटा तैयार करके रोटी बनाना। सुमन ऐसा ही करती है और रानी को एक मुट्ठी मक्का रोज दे दिया करती है। रानी उस मक्का को चक्की पर पीस कर आटा बनाती है और अपने लिए दो रोटी बना लेती है। वो एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। राजू काम के सिलसिले में बहुत समय से शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मक्का बेचकर तो बहुत पैसा मिला है और अब तो रानी भी मेरी चाल में अच्छी तरह से फंस चुकी है। काम ये करेगी और दाम मैं लूंगी, अब इसका आना मुझे खलेगा नहीं। अच्छा है यह हमारे घर में ही रह रही है, मुझे किसी नौकरानी की भी जरूरत नहीं है। एक दिन रानी मक्के को साफ कर रही थी, तभी मक्के के कुछ दाने चूल्हे की लकड़ी पर गिर गए, जिसकी वजह से वो पॉपकॉर्न बन गए। जब रानी ने वो खाकर देखे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। इससे उसके दिमाग में एक उपाय आया। ये मक्के के दाने तो पॉपकॉर्न बन गए हैं और ये तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं रोज मक्के के आटे को बनाकर उसकी दो रोटियां ही तो सेकती हूँ, क्यों ना मैं
इस मक्के के दानों से पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेचूं। वैसे भी भाभी मुझे कुछ और तो देती नहीं और ना ही अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मैं उनसे कुछ मांग सकती हूँ। मुझे पैसों की भी जरूरत होती है, तो मैं इन मक्का के दानों को इस लकड़ी पर भून कर पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेचूंगी, तो मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रानी ने अपनी भाभी से छुपकर मक्के के दानों को जोड़ना शुरू किया और कुछ मक्के के दाने फालतू भी मांग लिए, जिसकी वजह से उसने एक तसले में आग जलाकर पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। उसके पॉपकॉर्न बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। वो गलियों में अपने पॉपकॉर्न बेचा करती थी। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, खिले खिले पॉपकॉर्न, बच्चे बूढ़े जवान सब खाए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले लो। पहले तो कुछ बच्चे उसके पॉपकॉर्न खरीद कर खाने लगे। धीरे धीरे उसके पॉपकॉर्न बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आने लगे। अब तो उसके पॉपकॉर्न की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और वो उन पॉपकॉर्न से अच्छा व्यापार करने लगी। उन पॉपकॉर्न से हुई कमाई से उसने अपने व्यापार को और बढ़ाया और अपनी एक दुकान सिनेमा घर के सामने लगा ली, जहां पर उसके पॉपकॉर्न की बहुत बिक्री होने लगी। एक दिन अचानक राजू उसकी दुकान पर आ गया। रानी, तुम यहाँ पॉपकॉर्न बेच रही हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। हमारे घर में क्या कमी है जो तुमने पॉपकॉर्न बेचना शुरू कर दिया? भैया, हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है, बस मुझे जो मक्के के दाने मिलते थे मैंने उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है भैया, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहती? शादी से पहले भी आपने मेरा बहुत ध्यान रखा और शादी के बाद भी आप ही के साथ रह रही हूँ। मैं अब आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी। अरे तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं रही, सच बता क्या बात है? तुझे तेरी भाभी ने परेशान किया मेरे जाने के बाद, है ना? यही बात है ना? नहीं भैया, भाभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो बहुत अच्छी हैं। अब मेरे माता पिता तो नहीं हैं, तो आप दोनों ही मेरे माता पिता हो। ये सारी बातें छिप कर सुमन सुन रही थी। उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और वो किसी को कुछ भी बिना बताए घर आ गई। मैंने रानी के साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी उसने मेरी कोई भी बात भैया को नहीं बताई। सच में रानी बहुत अच्छी है, मुझे उसका साथ देना चाहिए। उसके साथ ईश्वर ने बहुत गलत किया है और मैंने भी बहुत गलत किया है। अब मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। अगले ही पल से सुमन रानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी है और उसके पॉपकॉर्न के व्यापार में हाथ भी बांटती है। अब तीनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते, किसी को भी किसी की शिकायत किए बिना सब अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीने लगे और पॉपकॉर्न का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अरे भाई रानी, तुमने अपनी सूझबूझ और मेहनत से बहुत अच्छा व्यापार खड़ा किया और सुमन तुमने इसका साथ देकर उससे भी बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, नहीं तो आजकल कौन भाभी अपनी ननद को रखती है? और तुमने मेरी बहन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी। ये आपकी ही नहीं, मेरी भी बहन है। अगर मैं एक औरत होकर इसका दर्द नहीं समझूंगी तो भला और कौन समझेगा? सुमन आंखों में आंसू भरकर रानी को गले से लगा लेती है। एक गांव में गोला नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बिजली के साथ रहता था। गोला की जुबान करेले जैसी कड़वी थी, वह किसी के साथ भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। गोला, आज ड्यूटी पर नहीं गए? तुमसे क्या मतलब भोंदू राम? मैं ड्यूटी पर जाऊं या ना जाऊं तुम्हें क्या परेशानी है? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर सुबह सुबह। सुनिए जी, खिचड़ी बन गई है, खा लीजिए। गोला की पत्नी कितना भी अच्छा खाना बनाती लेकिन गोला उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। ये कैसी खिचड़ी बनाई है, ना नमक ना मसाला, तुम्हारे हाथों का सड़ियल खाना खा खा कर पक गया हूँ। अगली बार ऐसी खिचड़ी बनाई तो पूरा पतीला उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता है, तुम खुद ही बना लिया करो ना। पैसे कमाने तुम चली जाया करो, खाना बना दूंगा। गाँव में एक पॉपकॉर्न बेचने वाला आता था, वह गोला के घर के सामने से ही गुजरता था।
पॉपकॉर्न ले लो, ताजा मक्खन वाले पॉपकॉर्न ले लो, अजय देवगन की पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाओ, माल है ताजा, जल्दी से बाहर आ जा। अरे ओ पॉपकॉर्न वाले, तुम रोजाना क्यों मेरे घर के आगे शोर मचाते रहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है, कहीं और जाकर बेचो अपने पॉपकॉर्न। भाई साहब, मेरे शोर से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुँचाना नहीं है, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आवाज लगाता हूँ। तो रोजी रोटी यहाँ से कहीं और जाकर कमा लो, लेकिन मेरे घर के सामने से मत गुजरो। वैसे भी मैं कोई पिक्चर नहीं देखता, मुझे तुमसे और तुम्हारे पॉपकॉर्न से नफरत है। एक दिन जब गोला ड्यूटी से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। बिजली, बिजली अरे कहाँ चली गई? मैं ड्यूटी से लौट कर आया हूँ और तुम मुझे पानी तक लाकर नहीं दे रही हो। अरे कहाँ हो तुम? तुमसे ज्यादा घटिया पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी। गोला को टेबल पर अपनी पत्नी के हाथ से लिखा एक लेटर मिला। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाई। मेरी वजह से तुम्हें और कष्ट ना हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। अपनी पत्नी के जाने पर गोला को बहुत दुख हुआ। वह आंखों में आंसू लिए घर के बाहर बैठ गया। पॉपकॉर्न वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने गोला से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके खाने की कमियां उसे बताता था। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई बात हुई अगर मैं उसे कमियां ना बताऊं तो वो अच्छा खाना कैसे बना पाएगी? तुम्हारी कड़वी नफरत भरी जुबान के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। लगता है तुम्हें दुनियादारी का अनुभव नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर मैं कड़वी जुबान में बात ना करूं तो सब लोग मेरे ऊपर प्रभाव जमा लेंगे। वो बारी बारी मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझ पर अपनी अकड़ दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हें वही देते हैं जो तुम उन्हें देते हो। अगर तुम किसी को प्यार दोगे तो वो भी तुम्हें प्यार देगा, और तुम किसी को नफरत दोगे तो वो भी तुम्हें नफरत देंगे। मैं ये नहीं मानता। अच्छा लो ये पॉपकॉर्न खाओ, शायद तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ भूख तो लग रही है। गोला ने जब पॉपकॉर्न खा लिए तो पॉपकॉर्न वाले ने उसे बताया, तुमने जादुई पॉपकॉर्न खाए हैं, अब तुम केवल प्यार से बोल पाओगे। नफरत से भरा कोई भी कड़वा शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकल पाएगा। इस पॉपकॉर्न का असर 7 दिनों तक रहेगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसी चालबाजी नहीं कर सकते। रुको, मेरी बात सुनो। पॉपकॉर्न वाले ने गोला की कोई बात नहीं सुनी और चला गया। अरे गोला भैया, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या? गोला उस आदमी को कड़क जवाब देना चाहता था, लेकिन गोला के मुंह से कुछ और ही निकला। राम राम बाबूजी, आज मेरी छुट्टी है। आपकी तबीयत अब कैसी है? अगर ठीक नहीं है तो क्या मैं आपको दवा लाकर दे दूं? मैं एक डॉक्टर की दुकान पर काम करता हूँ। मेरी तबीयत अब अच्छी है, शायद दवा की जरूरत नहीं। फिर भी तुमने पूछा तो बहुत अच्छा लगा। तभी एक आदमी गोला से आकर बोला, अरे ओ गोला भैया, सुना है आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है। गोला को बहुत क्रोध आया। वह उस आदमी पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से प्रेम भरे शब्द निकले। सचिन, वो मुझे छोड़कर भागी नहीं है, सिर्फ रूठ कर चली गई है। वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, इसलिए जल्द ही मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। क्या तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? गांव के लोग गोला का प्रेम भरा व्यवहार देखकर चौंके और उससे बहुत प्रभावित हुए। गोला अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के घर पहुंचा। वो पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह कुछ और ही बोल गया। मुझे माफ कर देना बिजली, मैंने कभी तुम्हें सम्मान नहीं दिया। मैंने अपने हाथों का बना बेस्वाद खाना खाया, तब मुझे पता लगा कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। मैं घर की सफाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर वापस लौट चलो। गोला के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर बिजली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह गोला के साथ घर लौट आई।
गोला ने महसूस किया कि गांव के लोग उसे प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं और उसे सम्मान भी दे रहे हैं। 7 दिन पूरा होते होते गोला की दुनिया ही बदल गई। अब गोला को जो भी मिलता वह गोला से मिलकर बहुत खुश होता और उससे प्यार से बातें करता। एक दिन शाम को गोला को वही पॉपकॉर्न वाला दिखा जिसने उसे जादुई पॉपकॉर्न खिलाए थे। अब बताइए गोला भैया, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? जब आपने लोगों को प्रेम दिया तो क्या उन्होंने आपको नफरत दी? तुम ठीक कहते हो, हम जो दूसरों को देते हैं बदले में वही पाते हैं। लोग मुझे नफरत की नजरों से देखा करते थे क्योंकि मैं हमेशा नफरत भरे कड़वे शब्द बोला करता था। जादुई पॉपकॉर्न के कारण 7 दिन तक मैं केवल प्रेम भरे शब्द ही बोल पाया और इन 7 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं लोगों से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारे जादुई पॉपकॉर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कहानी की शिक्षा याद रखिए दोस्तों, हम जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। एक गांव में बिरजू और रामदीन नाम के दो भाई रहते थे। बिरजू बड़ा था, रामदीन छोटा। बिरजू की बेटी थी लीला और रामदीन का बेटा था आकाश। पिताजी, रामदीन चाचा का लड़का आज फिर हमारी मच्छरदानी उठाकर ले गया। ले जाने दो बेटी, उसे बुखार आ रहा होगा। तो मुझे भी तो मलेरिया हो रहा है, मच्छरदानी मैं ले आऊंगी, मुझे बिना मच्छरदानी की नींद नहीं आती। रात में जब आकाश सो रहा था तो लीला मच्छरदानी उठाकर ले आई और उसने मच्छरदानी अपनी चायपाई पर लगा दी। आकाश भी कम शैतान नहीं था, वो सोया नहीं था, बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जैसे ही लीला मच्छरदानी लेकर चली गई, वो तुरंत उठा और अपने घर के अंदर गया। कहाँ गया वो मच्छरों वाला डिब्बा? वो रहा। आकाश एक डिब्बे में मच्छरों को पकड़ कर रखता था। वो चुपके से लीला की चारपाई के पास गया और डिब्बे के सारे मच्छर मच्छरदानी के अंदर छोड़ दिए। मच्छरों ने पूरी रात लीला को काट काट कर सुझा दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ गए थे। पिताजी देखिए ना, मच्छरों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। लेकिन मैंने देखा था सुबह की तुम मच्छरदानी लगा कर सो रही थी। मैं मच्छरदानी लगा कर ही सो रही थी, लेकिन आकाश ने मच्छरदानी के अंदर मच्छर छोड़ दिए थे। अब मैं ये मच्छरदानी छुपा कर रखूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन इसे ले जाता है। उस रात आकाश पूरे घर में मच्छरदानी ढूंढता रहा लेकिन उसे नहीं मिली। पिताजी मुझे 300 रुपए दीजिए ना, एक मच्छरदानी खरीदनी है। मेरी जेब में देख लो, जितने भी रुपए पड़े हों जाके ले लो। आकाश ने अपने पिताजी की जेब में देखा तो उसे सिर्फ 100 रुपए ही मिले। आकाश 100 रुपए लेकर ही दुकान पर पहुंच गया और दुकान वाले से बोला, चाचा मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, क्या कोई मच्छरदानी मिलेगी? नहीं, 100 में नहीं मिल पाएगी। आकाश बहुत निराश हुआ और दुकान से जाने लगा। सुनो, मेरे पास एक सेकेंड हैंड पुरानी मच्छरदानी है, शायद मैं उसे कबाड़ी को बेच दूं। तुम चाहो तो 100 रुपए में उसे ले जा सकते हो। आकाश पुरानी मच्छरदानी को अपने घर ले आता है। उस रात आकाश जब मच्छरदानी में सो रहा था तो उसे एक सपना आया। तुम्हारे गांव के पार एक मठिया है, मठिया के पार वाले जंगल में खजाना गड़ा हुआ है। ये खजाना पुराने समय में एक राजा ने वहाँ पर गाड़ा था। लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, खजाना जंगल में किस जगह पर है? आकाश उठ जा, 8 बज रहे हैं, झाड़ू लगानी है मुझे। खजाने का पता मिलने वाला था, तू बेवकूफ बीच में आ गई और मेरा सपना तोड़ दिया। बुद्धू, सपने बस सपने होते हैं, अगर इस तरह खजाना मिल सकता तो मैं अभी तक बहुत अमीर हो गई होती। आकाश को मच्छरदानी में रोजाना वही सपना आता था, लेकिन आकाश जैसे ही बूढ़े आदमी से खजाने की निश्चित जगह पूछने वाला होता, सपना टूट जाता। जब आकाश मच्छरदानी से बाहर होता तो उसे वो सपना नहीं आता। एक दिन आकाश ने ये बात लीला को बताई। क्या तू पागल हो गया है? तुम खुद उस मच्छरदानी में सोकर देख लो। लीला जब मच्छरदानी में सोई तो उसे भी वही सपना आया। तुमने ठीक कहा था, एक बूढ़ा आदमी खजाने के बारे में बता रहा था। चाचा, क्या गांव के बाहर कोई मठिया है? हाँ है, तो हनुमान जी की मठिया है। लीला और आकाश ने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे।
दोनों गांव वालों से पूछते हुए मठिया तक आसानी से पहुंच गए। हमें जंगल के अंदर जाना होगा, खजाना जंगल के अंदर ही कहीं पर है। लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है। आकाश और लीला जंगल के अंदर जाते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर उनकी हालत खराब हो रही थी। अचानक शेर उनके पीछे ही आ गया। दोनों भागते हैं। भागते भागते वे खोखले पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। पेड़ अंदर से बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक गुफा जैसा लग रहा था। डरो मत, शेर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इस पेड़ का दरवाजा बहुत छोटा है। आकाश और लीला पेड़ के अंदर घुसते गए, उन्हें एक सांप मिला। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो, नीचे, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हम खजाने की खोज कर रहे हैं। मच्छरदानी में हमें एक सपना आया था। वो मच्छरदानी मेरे पिता की थी, जिन्हें इंसान का जन्म मिला था। खैर, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सही जगह पर आ गए हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो तुम खजाना ले जा सकते हो, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम दोनों को डस लूंगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना। ठीक है, या तो हम अमीर हो जाएंगे या मर जाएंगे। अपना सवाल पूछो। इस दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? चीता। ट्रेन नहीं, हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। आकाश सोच ही रहा था तब तक लीला बोल पड़ी, मन। मन की गति ही सबसे तेज है। मन एक ही पल में किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, तुम खजाना ले जा सकते हो। आकाश और लीला को खजाना मिल जाता है और वे सुखी जीवन बिताने लगते हैं।